नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरुजी पर। दोस्तों आज की वीडियो हमारे अब तक की जो जर्नी रही है उसमें पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है। बेसिकली ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत क्विकली यहाँ पे मैं जो डिटेल्स है वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे एक फैमिली मेंबर को ये HDFC मनी बैग जो क्रेडिट कार्ड है वो रिसीव हुआ है। बेसिकली रिसेंटली तो नहीं, लास्ट मंथ ही रिसीव हो गया था, बट क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था और कुछ प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से मैं जो अनबॉक्सिंग वीडियो है या जो वीडियो है वो शेयर नहीं कर पाया था। और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने का रीज़न यहाँ पर मेरा ये है कि अभी क्योंकि जो अपडेट्स आई हैं मार्च में, जो अपडेट आई थी बेसिकली उसके बाद में फिर क्योंकि लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद ये जो कार्ड है वो रिसीव हुआ है हमें। और यहाँ पर इस कार्ड की जो लिमिट आई है वो मोर देन 3 लाख रुपीज़ है। तो यहाँ पर फ्रेश क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख प्लस की लिमिट आप कैसे ले सकते हैं उस पर भी मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपने फ्रेश क्रेडिट कार्ड में, फ्रेश एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट जो है वो कैसे ले सकते हैं, वो भी एक नॉर्मल सैलरी पर। यहाँ पर भी जो सैलरी थी वो 25,000 रुपीज़ की है। तो इस तरीके से आप भी जो हायर क्रेडिट लिमिट है वो ले सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करनी होगी या ध्यान रखनी होगी उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा इस जो लिफाफा है अभी हमें रिसीव हुआ है, बेसिकली जो ये पैकेट रिसीव हुआ है इसमें क्या क्या हमें मिला है कार्ड के साथ में, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं वो भी हम देखने। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये पैकेट है, लिफाफा है और इसके अंदर जो एनवलप है उसके अंदर ये एक बस ये जो है वो रिसीव हुआ है, बाकी ये पूरा एनवलप खाली है। अब इसमें भी यहाँ पर 3 पेपर हैं तो मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो है वो डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपकी डिटेल्स होंगी अपनी और मैं लिमिट आपको दिखा देता हूँ, आप जो है एक बार पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो लिमिट है 3,17,000 रुपये की यहाँ पर लिमिट मिली है। और इसके अंदर में ये जो है वो पेपर मिला है जिसमें आपकी जो डिटेल्स हैं वो दी हुई हैं कि आप किस तरीके से अपना जो नेट बैंकिंग है या मोबाइल बैंकिंग है उसके ज़रिए अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसे बेसिकली मैनेज कर सकते हैं। तो आप जो है एप्लीकेशन से अपना जो क्रेडिट कार्ड है वो मैनेज कर सकते हैं, अपना अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको एक अकाउंट जो है वो अपना एक्टिवेट करना होता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट नहीं है और अगर आपका सेविंग या सैलरी अकाउंट है तो आप उसे भी अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसे लिंक कर सकते हैं और बाद में उसके ज़रिए वहाँ पर इजीली आप उसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पर हमें पेपर मिला है वो ये पेपर है। ये अभी जो है वो आने लगा है जब से आपका जो टैप बेस्ड फैसिलिटी शुरू हुई है ना, कि आप जो है टैप कीजिए और पेमेंट कीजिए। तो यहाँ पर 2,000 रुपये तक की पेमेंट जो है वो आप टैप करके कर सकते हैं, आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको पिन डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कई बार अगर गलती से आपका जो कार्ड है वो मशीन के ऊपर से बस स्वाइप हो गया तो वहाँ पर पेमेंट हो जाएगी, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि कई बार ऐसा जो है वो फ्रॉड हो चुका है, आपने बहुत सारी वीडियोज वगैरह भी देखी होंगी। तो यहाँ पर आपको जो है वो इंस्ट्रक्शन उसके दिए हुए कि किस तरीके से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं और इधर उसके फायदे जो है वो बताए गए हैं और कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, तो अपने को इससे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये जो फैसिलिटी है वो भी अभी आपको एक्टिवेट करानी होगी। जैसा अभी कुछ दिन पहले जो है वो चेंजेस हुए थे 1 अक्टूबर से, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सिक्योरिटी बेस पर चेंज की है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी पब्लिश किया, अगर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट है ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसी में है हमारा जो यहाँ पे डिटेल है, जो भी पर्सन होगा जिसके नाम से क्रेडिट कार्ड है उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर होती हैं। इधर बेसिकली आपकी जो है लिमिट और कार्ड नंबर वगैरह की डिटेल होगी। और इसके साथ में अगर आप यहाँ नीचे देखते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका कार्ड ये चिपका हुआ है, इससे यहाँ पे कार्ड चिपक के आएगा। और ये कुछ बेनिफिट यहाँ पर दिए हुए हैं, तो बेनिफिट मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, HDFC मनी बैग की एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने शेयर किया, अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर 0% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड पीरियड जो है वो अप टू 50 डेज का, जैसा मैंने आपको बताया कि 0% इंटरेस्ट वो दिखाते हैं लेकिन अप टू 50 डेज में यहाँ पर आपको कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने जब स्वाइप किया, जब शॉपिंग की तब से 50 दिन, ऐसा नहीं होता है। वो आपके बिलिंग डेट के अकॉर्डिंग जो है, बिलिंग डेट से आप ये मान के चलिए कि आपको 20 दिन बस एक्स्ट्रा मिलेंगे, वहां पर आपकी लास्ट डेट होगी, उस दिन आपको बिल पेमेंट जो है वो किसी भी हालत में करनी होती है। अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। अब मान लीजिए आपका बिल 20 तारीख को जनरेट होता है, आपने 19 तारीख को कोई यहाँ पर जो है शॉपिंग परचेजिंग की है, अपना कार्ड स्वाइप किया है, तो अभी आपके पास मात्र 21 दिन है, यानी कि 20 को आपका बिल जनरेट हो जाएगा और नेक्स्ट
20 दिन आपके पास है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आपको एड ऑन क्रेडिट कार्ड जो है वो फ्री मिल रहे हैं, तो जैसा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि एड ऑन क्रेडिट कार्ड जो है वो आप फ्री ले सकते हैं। इसके अलावा 0 लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी है, इनकेस अगर आपका कार्ड मिस हो जाता है तो आपको विद इन 4 आवर्स जो है वो कंप्लेंट करनी होती है बैंक कस्टमर केयर में, वो आपका एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, न्यू आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। और यहाँ पर जो भी अमाउंट उस समय अगर स्पेंड हुआ है आपके क्रेडिट कार्ड से तो वो आपको पे नहीं करना होता, बट यहाँ पर एक स्पेसिफिक लिमिट होती है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दूसरी तरफ अगर हम देख लेते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कार्ड एक्टिवेशन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हुए हैं कि अपना कार्ड आप किस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कार्ड एक्टिवेशन के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर जो है अपना क्रेडिट कार्ड किसी भी HDFC बैंक के ATM से जाके जो है वहां से एक्टिवेट कर सकते हैं, डायरेक्टली अपना एप्लीकेशन में लॉग इन करके या फिर अपना जो ऑनलाइन बैंकिंग अगर आप करते हैं तो वहां पर लॉग इन करके वहां से भी अपना जो कार्ड है वो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और ये तरीका जो है वो काफी इजी रहता है, बस आपके पास एक पासवर्ड आता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, वहां से आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये था ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये जो एनवेलप है इसमें हमें इसके साथ में बस यही चीजें मिली है। और यहाँ पर लिमिट जैसे मैंने आपको बताया 3,17,000 रुपए की यहाँ पर फ्रेश लिमिट मिली है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फ्रेश एप्लीकेशन में ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट लिमिट आप किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पर किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है या फिर बैंक क्या क्या चीजें जो है वो क्रॉस चेक करता है हमेशा आपकी जो लिमिट है वो डिसाइड करते वक्त, तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं इन सभी पॉइंट्स को जो है डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सपोर्ट कीजिए, नीचे सब्सक्राइब कीजिए, आपका कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आपको इसके अलावा यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट पर वीडियोज मिलने वाली है, अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको वीडियोज मिलने वाली है, तो कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए